रेलवे बजट हो या फिर यूनियन बजट हो, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर यही जानना चाहता है कि इन इवेंट्स के मद्देनजर कौन से शेयर्स यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अब सुमित मेरे सहयोगी मौजूद हैं शेयर आपके बजट में लेकर, उनसे जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक वो लेकर आए हैं। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। क्योंकि रेलवे बजट का ही माहौल है तो लॉजिस्टिक स्पेस के साथ ही जाएंगे। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इस कंपनी को चुना है हमने। एक इसको चुनने की दूसरी वजह ये भी है कि शेयर अपने हायर लेवल से बहुत टूट चुका है। करीब करीब 50% इसकी वैल्यू इरोड हो चुकी है अपने हायर लेवल से। और जिस तरह की कंपनी नंबर्स दे रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर आप पिछले 6 महीने के या फिर पिछले 6 तिमाही के भी नंबर देख लेंगे तो भी कंपनी के नंबर से कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है कंपनी। अच्छे खासे कैश फ्लोज है कंपनी के पास, डिविडेंड पे ऑफ ठीक ठाक करती है, मार्जिन भी अच्छे बढ़े हैं, करीब 1 से 1.5% के आसपास का इजाफा वाईओवाई बेसिस पे कंपनी के मार्जिन में भी इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। उसके अलावा कंपनी के कार्गो और एयर फ्रेट बिजनेस जो अब तक थोड़ा स्टैग्नेंट रहा है, वहां से एक अच्छे अपटिक्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है अगले कुछ तिमाही के अंदर। तो ये एक और अच्छी चीज है जो कि आने वाले आंकड़ों में देखने को मिलेगी। उसके अलावा सबसे अहम चीज वैल्यूएशन, करीब FY16 के लिए 6 की EPS 13 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है। और इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल की तरफ से खरीदारी कर चलने की रिपोर्ट आ रही है 98 रुपए के टारगेट्स के लिए। आपको ये बता दें कि रेलवे के कारोबार में भी अगर फ्रेट से रिलेटेड कुछ भी घोषणाएं होती है तो उसके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आप इसे भी आप इसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। विकास, क्या सलाह होगी आपकी पटेल इंटीग्रेटेड पर, जिस तरीके से सुमित अभी बता भी रहे थे कि अगर आज के रेल बजट में कुछ भी फ्रेट रिलेटेड यहाँ पर न्यूज या फिर अनाउंसमेंट होती है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हुए नजर आ सकता है, क्या ये शेयर आपके रडार पर है? जी, अगर देखा जाएगा तो एक स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे एक बेस बना रहा है 76-77 के आसपास। अब देखोगे तो लास्ट 2-3 वीक्स में अब देखोगे इसी रेंज में ट्रेड कर पा रहा है। अपर साइड में 84 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर रहा है तो जब भी 84 के ऊपर अगर स्टॉक निकल रहा है तो वापस ये 100 के लेवल्स दिखा सकता है। कोशिश की यहाँ पर समीर ने कि एक कमेंट वो ले सके रेल मंत्री सुरेश प्रभु का जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, स्पेशली फेयर्स और फ्रेट रेट्स को लेकर, क्योंकि सबसे जो अहम बिंदु रहेगा इस बजट का वो यही रहेगा कि क्या किराए बढ़ते हैं, क्या फ्रेट रेट्स में बढ़ोतरी होती है नहीं रहती है, होती है क्या स्टांस रहता है। तो इस डेवलपमेंट पर नजर रहेगी, लेकिन 11:10 हो रहे हैं, अब से ठीक 40 मिनट बाद रेलवे बजट पेश होगा और जो स्थिति होगी वो साफ हो जाएगी। लेकिन गौरांग, संक्षेप में अभी सुमित ने पटेल इंटीग्रेटेड की बात की थी, लॉजिस्टिक्स में कोई चॉइस है आपकी अभी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? नहीं, ऐसे कोई कवरेज नहीं निकाली है हमारी। और इनफैक्ट एक समय पर VRL लॉजिस्टिक जब IPO आया था तब कवायद की थी, और मौजूदा परिस्थिति में अभी तो कोई कवरेज नहीं है हमारी। जी चलिए, विकास मैं एक कमेंट आपसे भी लेना चाहती हूँ। आज जो रेल बजट पेश होना है, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवेज की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, तो इस पूरे स्पेस में चाहे आप HPL पावर सिस्टम्स की बात कीजिए, कनेक्स माइक्रो सिस्टम्स, नितिन फायर की बात कीजिए, इन सब में आपको किसी तरीके का इम्पैक्ट नजर आता है? जी, अगर बात करें तो मुझे लगता है कि HBL पावर में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी हो सकता है। स्टॉक ऑलमोस्ट जो उसके हाई वहाँ से आधे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ से एक अच्छे खासे एक प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो HBL पावर मेरे साइड से एक सिलेक्टिव स्टॉक रहेगा। जी।